और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उन्नाव में 55 स्कूलों के टीचरों को नहीं मिलेगी इस महीने की सैलरी, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नामांकन वृद्धि में नाकाम 55 स्कूलों के शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक फिलहाल अगस्त माह के मानदेय से वंचित रहेंगे। नामांकन न होने पर दो सप्ताह पहले 133 स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय रोका गया था। जो स्कूल एक भी नामांकन बढ़ाने में सफल रहे उसमें 78 का बीएसए ने बिना कोई पत्राचार और स्पष्टीकरण लिए बिना पोर्टल पर नामांकन की स्थिति देख वेतन बहाल कर दिया है, जबकि अभी 55 स्कूलों के शिक्षकों की वेतन बहाली के लिए और मेहनत करनी होगी, जवाब तलब होने पर मिलेगा वेतन। बीएसए संगीता सिंह ने बताया कि जुलाई माह में की गई कार्रवाई में दो और अगस्त में हुई कार्रवाई में 55 स्कूल के शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक एक भी नामांकन नहीं बढ़ा सके हैं, जिसके कारण इनका वेतन नहीं बहाल हुआ है। बीईओ को पत्र जारी कर इनका स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब तलब होने के बाद मौजूदा स्थिति के अनुसार वेतन बहाल किया जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।